हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे RSR फाइनेंस पे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। भाई एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन का नाम है लोन ऐप फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो भाई, यहां से अगर लेना चाहते हो आप लोग लोन तो भैया मैं आपको बताता हूं, ये एक नई कंपनी आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो 1K ही इसके डाउनलोडिंग है और इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो रहने वाला इंस्टा लोन। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हो भाई, लोगों पे भी इनका नाम लिखा हुआ है इंस्टा लोन, यहां पे आप लोग देख सकते हो। अब यहां से हम थोड़ा वे कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं भाई एप्लीकेशन के बारे में। आपको भाई देखो, यहाँ से अगर आपको लोन लेना है तो आपको EMI पे लोन मिलेगा, ध्यान रखना, और EMI पे लोन मिलेगा और यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी, मतलब आपका सिविल स्कोर यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोन लेना चाहते हो डन मिल जाएगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिविल स्कोर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 75,000 रुपये तक की आपको यहाँ पर जो है लिमिट मिल सकती है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्म, यहाँ पर देखो साफ साफ जो लिखा हुआ है, मैं आपको अगर आपको पढ़ के बताऊँ, यू आर एलिजिबल फॉर द लोन फॉर 75,000 फॉर्म योर फोन पे लोन। तो ये ऑफर जो मिला है इनको ये फोन पे से मिला है, ऐसे कि मैं बता रहा हूँ इनकी पार्टनरशिप होती है। आप डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सेल्फी लगेगी, पैन कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हो बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बिल या आधार कार्ड या आधार कार्ड बैक, ये चीज़ें आप लगा सकते हो। यहाँ पर सिग्नेचर क्या है भाई, यहाँ पर सिग्नेचर आपको वही करने हैं जो आप बैंक में करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका ECS लगेगा। ECS लगने के बाद ही आपका जो लोन अमाउंट है वो डिस्पर्स किया जाएगा। अगर आप लोग भी EMI पे लोन लेना चाहते हो तो दोस्तों ले सकते हो, एप्लीकेशन नहीं है और अभी मैं कह नहीं सकता कि भाई आपको कितनी एलिजिबिलिटी मिल सकती है। हो सकता है भाई आपको 5,000 की मिल जाए और हो सकता है आपको 50,000 का भी लोन यहाँ से मिल जाए। तो दोस्तों एक बार आप जरूर लीजिएगा, 100% मिल जाएगा। और दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।